ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगौरांगानित्यानंद श्रीअद्वैतचंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। तो आज श्री श्री राधा रस सुधा निधि के 101 श्लोक पे हम लोग चर्चा करेंगे। 100 श्लोकों तक पिछली बारी कार्तिक में हमने चर्चा करी थी और इस बारी दुर्भाग्यवश शुरू नहीं हो पाया। तो अभी भी जैसे परिस्थिति लग रही है, पता नहीं रोज हो पाएगा या नहीं, लेकिन जैसे जैसे होगा वैसे वैसे इसको लेंगे। तो 101 श्लोक में श्रीपाद बोल रहे हैं, स्निग्ध कुंचित नील केशी विदलद बिम्बोष्टि चंद्रानने खेलत खंजन गंजनाक्षी रुचि मन नासाग्र मुक्त फले पीन श्रोणी तून दरी तनु दरी स्तन तटी वृत छटा अत्यु अद्भुते श्री राधे भुज वल्ली चारु वल्लये स्वम रूपम अविष्कुरु। श्रीपाद यहाँ पे दशविध संबोधन कर रहे हैं, किशोरी जी को उनके 10 नामों से पुकार रहे हैं। ऐसे 10 नाम नहीं है जो कहीं दिए हुए हैं शास्त्रों से याद करके वो पुकार रहे हों, ये उन्होंने अपने आप से जो उनके हृदय में प्रेम से जो लीला स्फुटित हुई उनके हृदय में, वैसा देख के जैसा किशोरी जी को देख रहे हैं उसके हिसाब से वो उन नामों से उनको पुकार रहे हैं। स्निग्ध कुंचित नील केशी, हे स्निग्ध और कुंचित नील केशी, यानी उनके ब्लूइश ब्लैक बाल हैं नील केशी, और स्निग्ध और कुंचित हैं। स्निग्ध मतलब चिकने, एकदम चमकते हुए उनके केश, और कुंचित के दो अर्थ होते हैं, एक उलझे हुए और एक कर्ली हेयर्स जैसे होते हैं। तो किशोरी जी के जब वर्णन होता है केशों का तो ऐसा वर्णन होता है कि एकदम सीधे केश हैं, जब उस पर कंघी करते हैं तो एकदम मक्खन की तरह नीचे चलती है, ऐसे उनके केश हैं बिल्कुल सीधे। तो कर्ली अगर देखें तो आगे के थोड़े थोड़े कई बारी कर्ली ऐसे दिखते हैं, पर यहाँ पे इसीलिए इसको कर्ली ना समझ के ऐसा समझा जाएगा कि उनके स्निग्ध और उलझे हुए जो केश हैं। अब ये मंजरी की जो भावना है उसमें ऐसे है कि वो कैसे केश देखना चाहती है, केश जो होते हैं किशोरी जी के एकदम सुलझे हुए ही रहते हैं, और जैसे पहला वर्णन है कि स्निग्ध हैं तो एकदम चमकते हुए चिकने केश हैं उनके, लेकिन वो चिकने चमकते हुए उलझे हुए जो केश हैं ऐसा मंजरी जो है वो उसका दर्शन करना चाहती है। तो इसीलिए बोल रहे हैं, हे स्निग्ध कुंचित नील केशी विदलत बिम्बोष्टि चंद्रानने। विदलत बिम्बोष्टि मतलब विदलित, जिनके होठ जो हैं वो बिम्बा फल के जैसे एकदम लाल हैं, पर केवल बिम्बोष्टि नहीं बुलाया, विदलित बिम्बोष्टि मतलब जिनके होठों पे कुछ निशान है जो विदलित है, जैसे हम भ्रमर जो है जब वो पुष्प को काट लेता है उस पे से उसका रस लेता है तो वो पुष्प जो होता है वो विदलित पुष्प हो जाता है, वो भ्रमर द्वारा विदलित पुष्प है। तो यहाँ पे इसका अर्थ आगे आएगा कि क्यों ऐसी अजीब अजीब सी डिमांड्स है मंजरी की, क्यों ऐसे नामों से पुकार रही हैं कि हम कहें यार सुलझे हुए बालों वाली देखनी चाहिए, सुसंस्कृत उनके केश होने चाहिए मगर वो नहीं, कैसे उनके होठ होने चाहिए एकदम लाल होने चाहिए मगर वो नहीं, हमें विदलित बिम्बोष्टि ऐसे देखनी है। चंद्रानने, चंद्रानने मतलब आपका चंद्र जैसा जो आनन, आपका चंद्र जैसा जो मुख है। बोले चंद्र से आप क्यों तुलना कर रहे हो, चंद्र में तो दाग होता है। बोले हाँ, वो दाग वाला जो चंद्र है ना, वही दाग वाले चंद्र आनने। अब सब उल्टा उल्टा बोल रहे हैं, उलझे हुए केश हो, विदलित आपके होठ हो, और वो दाग लगा हुआ जो चंद्रमा है वैसा आपका मुख हो। खेलत खंजन गंजनाक्षी,
हे चंद्रानने हे क्रीड़ा शील खंजन गंजनाक्षी, मानी आपके जो नयन हैं हम ऐसे देखें कि एकदम किशोरी जी प्रेम से मुझे निहार रही हैं, प्रेम से श्यामजू को निहार रही हैं। हम अगर कल्पना करेंगे तो ऐसे दर्शन की कल्पना करेंगे कि प्रेम से देख रही है, मगर ये कैसी कल्पना कर रहे हैं कि उनके नयन जो है ऐसे 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 हिले जा रहे हैं इधर उधर इधर उधर, जैसे खंजन पक्षी होता है एकदम उसकी तरह चंचल नयन, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर। तो अगर हम सोचें तो ऐसा किशोरी जी का चिंतन नहीं कर पाएंगे कि किशोरी जी इधर 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 एकदम ऐसे तेजी से देखे जा रही हैं जैसे पक्षी रेस्ट पे नहीं है, एकदम इधर उधर इधर उधर भागे जा रहे हैं। तो ऐसे आपके नयन ऐसे दर्शन वो करना चाहती हैं। और रुचि मन नासाग्र मुक्त फले, हे दिदीप्यमान नासाग्र मुक्ता फले, मतलब जिनके नख पे जिनके नाक पे नासिका पे जिनके आगे मुक्ता फल होता है ऐसी नासिका वाली किशोरी जी, हे पीन श्रोणी मानी स्थूल नितंबो वाली जो उनके ब्रॉड हिप्स जो स्थूल नितंबो वाली, हे श्रीणोदरी, श्रीणोदरी मतलब जिनकी कमर जो है एकदम श्रीण है, श्रीण उदरी को बोला जाता है, श्रीण उदर, श्रीण उदर, उदर होता है ये पेट और श्रीण मतलब एकदम पतला, तो हे पतली कमर वाली श्रीणोदरी, हे स्तन तटी वृत्त छटा अद्भुत रे, आपके जो स्तन तट हैं वो एकदम वृत्ताकार एकदम गोल आकार के आपके जो स्तन हैं अद्भुत हैं, हे भुजवल्लरी चारुवल्लय, हे भुजवल्ली चारुवल्लय मतलब आपके जो हाथ हैं उन हाथों पे कंगन हैं वो कंगन बज रहे हैं कंगन धारण करने वाली, हे श्री राधे तुम अपना स्वरूप प्रकट करो। अब ये जो सारे वर्णन करे हैं इसके हिसाब से किशोरी जी आपके रूप का मैं दर्शन कर पाऊं, स्वम रूपम अविष्कुरु, मैं आपके ऐसे रूप के कब दर्शन कर पाऊंगा, ये श्रीपाद यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं। पिछले श्लोक में जो हमने 100वां श्लोक पिछली बार चर्चा किया था उसमें स्फूर्ति में जब विराम आया था तो हर बार की तरह श्रीपाद जो है उसमें हाहाकार हुई, विरह ज्वाला से उनके प्राण कातर हो गए और जिनके लिए विश्व में राधा रानी को छोड़ और कोई है ही नहीं उनके लिए राधा रानी की विरह ज्वाला असहनीय होती है। हम लोगों के लिए थोड़ा सा स्फुरण नहीं स्मरण, स्फुरण तो ऊपर की बात है, थोड़ा सा स्मरण हो जाए हम उसमें बड़े खुश हो जाते हैं और बताते हैं एक दूसरे आज बड़ा अच्छा स्मरण हुआ, आज बड़ा मजा आया, आज बड़ा अच्छा स्मरण हुआ। पर जो क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे संबंध हैं और हम उन्हीं संबंधियों में प्रसन्न हैं, अब उसी में थोड़ा सा राधा रानी का भी हो जाए तो बड़े खुश हो जाते हैं, चलो मजा आ गया यहाँ पे भी सब मिल रहा है इस जगत में और थोड़ा सा किशोरी जी का वहाँ भी स्मरण हो गया, बस इससे ऊपर की हमारी लालसा ही नहीं जाती, हम प्रसन्न हैं बस ऐसे भी हो जाए मैं अपना जीवन सफल मानूंगा, है ना, ऐसा हम लोग बस इतना स्मरण होता रहे ऐसे। पर जो प्रेमी भक्त हैं वो किशोरी जी का जब स्फुरण हटता है तो हाहाकार मच जाती, क्यों, क्योंकि अब उनका स्फुरण हटा तो जैसे ही उनका स्फुरण हटा तो यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, जैसे हम यहाँ अपने किसी प्रियतम के जाने पे ब्रेकअप पे हमारा एकदम हाहाकार होती, अब मैं किसके साथ रहूँगा अब किसके साथ जीऊँगा ऐसा हमारा यहाँ हो जाता है, तो ऐसा उनका जब वहाँ का स्फुरन हटता है तो यहाँ हाहाकार हो जाती है क्योंकि इस जगत में और कोई नहीं है मेरा, मेरी वही है किशोरी जी, तो जब वो हटता है वो स्फुरन हटता है तो बहुत पीड़ा होती है वेदना होती है, मैं अकेली हूँ मेरे जीवन संगीहीन है, मेरा जीवन संगीहीन है कोई नहीं है मेरे इस जीवन में आपके अलावा, तुम्हारे बिना मैं क्या लेकर रहूँ, ऐसी प्रार्थना हृदय से निकलती है, कितना विपरीत है हम लोगों का भाव कैसा है, थोड़ा सा स्मरण हो गया वाह आनंद आ गया बस आप भी मिल गए आपका आशीर्वाद मिल गया, किशोरी जी ने आशीर्वाद दिया थोड़ी सी झलक दिखा दी आज कृपा हो गई, है ना, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि अब जैसे ही गई अब कुछ है ही नहीं एकदम अंधेरा, जैसे किसी की आंखें की रोशनी चली जाए, अगर किसी की आंखें की रोशनी एकदम से चली जाए कैसे छटपटाएगा वो, कितना छटपटाएगा, ये क्या हो रहा है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे सेम ऐसे जब श्रीपाद का स्फुरन हटता है तो ऐसी विरह आतुर अवस्था हो जाती, अब मैं क्या लेके रहूँ यहाँ, यहाँ और तो कुछ है ही नहीं क्या लेके रहूँ, क्योंकि हर बारी जब स्फुरन हटता है तो ऐसे लगता है बस गया अब पता नहीं दोबारा आएगा कि नहीं आएगा ख़त्म हो गया, तो इसीलिए इतनी हाहाकार, ऐसे नहीं लगता कि चलो हम सोचे अभी अगले श्लोक में फिर आ जाएगा, इतनी हाहाकार काहे की है अभी 5 मिनट बाद फिर मिल जाएगा, पर ऐसा लगता नहीं, जब जाता है तो ऐसा लगता है चल क्यों चला गया,
कोई अपराध थोड़ी हुआ, कोई गलती थोड़ी, क्या एकदम से क्या हो गया? तो जीव एकदम छटपटाता है, मेरे से कोई अपराध हो गया, कुछ गलती हो गई, क्या मैंने आपके संबोधन में कोई गलती कर दी, क्या मेरे से कोई त्रुटि हो गई, अचानक से क्यों हो गई? पर किशोरी जी जो हैं वो और श्याम सुंदर प्रेम पिपासा बढ़ाने के लिए ऐसा किया करते हैं। आज ही दर्शन दो, इसी मुहूर्त, और समय नहीं कटता, कब चाहिए? अभी चाहिए, ऐसे ऐसे रो रहे हैं, अभी चाहिए, इसी मुहूर्त चाहिए। राधा विरह में यही अवस्था हो जाती है, पर मर्मी भक्ति इसको जान पाता है कि राधा विरह में कैसी। हम लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे, अनुभव नहीं है, पर इसीलिए प्राकृत जगत का अनुभव लिया जाता है कि आप ऐसे समझो हमारे आँखों की रोशनी चली गई, ये प्राकृत अनुभव है, ये हम फील कर सकते हैं। राधा रानी का एकदम से सुरन हट गया, ये हम फील नहीं कर पा रहे अभी, क्योंकि वो अनुभव ही नहीं है उनको देखने का। देव योग से स्फुरण आदि का जो अभाव होता है तो प्राण धारण करना अतिशय कठिन हो जाता है, पर किशोरी जी की एक प्रकार की कृपा ही है ये जो उन पे होती है। मिलन की पिपासा को बढ़ाने के लिए ही अपने स्नेही किंकरी के साथ स्वामिनी ये आँख में चोली खेलती है। क्यों? क्योंकि उसके मिलन की पिपासा बढ़ानी है। आनंद होता है कि जब वो किशोरी जी को ऐसे पुकारता है, भक्त ऐसे पुकारती है मंजरी कि आपके अलावा मेरा कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। जैसे हम लोग अपने बालक को, घर में बच्चा हो तो उसको ऐसे प्यार से माता बोलती है, अगर मम्मी कहीं चली जाए तो, है ना, तो बोलता है मैं नहीं रह पाऊँगा आपके बिना, नहीं बनूँगा, तो ये सुनने के लिए ये बोलती है। अच्छा अगर मैं कहीं चली जाऊँ तो, ऐसे हम बोलते हैं ना छोटे बच्चे को, क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम उससे ये शब्द सुनना चाहते हैं, फिर मैं नहीं रह पाऊँगा आपके बिना, नहीं बनूँगा, इसलिए। तो यही सुनने के लिए किशोरी जी जो है थोड़ा विरह अपने भक्त को देती है। श्रीपाद रो रो कर राधा रानी से पुकार रहे हैं, स्वम रूपम अविष्कुरु, मुझे ये अपना रूप दिखाओ, ये दिखाओ मुझे, ऐसा रूप आपका देखना है। देखा होगा पहले कहीं स्फुरण में, तभी एक स्पेसिफिक नामों से पुकार रहे हैं क्योंकि देखा है, और अब फिर वही हाहाकार चित्कार की मुझे वही अपना रूप दिखाओ, तो ऐसे रोना होगा जब अगर किशोरी जी के दर्शन करने हैं तो, इस जगत के लिए नहीं, किशोरी जी के लिए रोना होगा। देखो जब बच्चा छोटा होता है और तो उसकी माँ क्या करती है, उसने घर में सारे काम करने हैं, छोटा बच्चा पालने में है, तो जैसे ही रोने लगा एक कोई छिंकना, जो छंकना क्या बोलते हैं उसको, वो बच्चे को पकड़ा दिया, ये ले, वो थोड़ी देर के लिए बच्चा चुप हो जाता है, जैसे ही उसके पास वो आता है वो चुप हो जाता है, और माँ फिर अपना किचन में इधर उधर काम करने चली गई। फिर थोड़ी देर के बाद बच्चा उससे बोर हुआ, वो फिर रोने लगा, फिर माँ क्या करती है, जल्दी से आओ दूसरा खिलौना दे दी, ये दो ये दो, ये देखो तोता आया है, तोता बात करेगा, वो पकड़ा दिया, बच्चा उससे सुखी हो गया। फिर थोड़ा रोने लगा, फिर वो कर, पर जब बच्चा थोड़ी देर के बाद ऐसा रोता है कि अब कुछ नहीं चाहिए, अब भूख लगी है, अब माँ का दूध ही चाहिए, इस प्रकार से जब वो रोने लगा कि अब माता ही चाहिए, या नींद आ गई, अब माता की गोद ही चाहिए, जब ऐसे जोर से रोना चित्कार करना शुरू करता है, तब माँ क्या करती है, तब उठा लेती है। अब उसे पता है अब ये किसी चीज़ से बहकने वाला नहीं है, अब ये बहल नहीं पाएगा किसी भी मेरे उपकरणों से, किसी खिलौने से। और सेम स्थिति जो है हम लोगों की है, हम लोग थोड़ा सा भजन में ऐसे पुकारते हैं, किशोरी जी आप कृपा करो, आपकी कृपा नहीं होगी तो कैसे होगा, हे भगवान मेरे पर कृपा करो, भगवान क्या करते हैं, इस जगत का थोड़ा सा सुख दे देते, ये ले, जैसे ही वो सुख आता है, हाँ भगवान की बड़ी कृपा होगी, बड़ी कृपा होगी, हम उसी को भगवान की कृपा मान के बड़ा आनंद मनाते, हाँ बड़ी कृपा होगी ठाकुर जी, बहुत कृपा, बहुत आनंद है। और क्या कर रहे हैं, वो माया का भोग कर रहे हैं। वो खिलौना क्या है, अगर बच्चे को माता चाहिए तो माता चाहिए, माता ने खिलौने में बिजी कर दिया, तो वो खिलौना क्या है, माया है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें कुछ ऐसा मिल गया हम उसमें आनंद हो गए, चलो चलो बड़ा आनंदित हो गए, बड़े मज़ा आ रहा है, बड़ी कृपा है किशोरी जी की। फिर हमने थोड़ा सा अब उससे बोर हुए, इस जगत का यही स्वभाव भी है माइक जगत का, कि जल्दी से हम थोड़े से उससे बोर हो जाते हैं, फिर हमारा लालसा हमारी यहाँ पे है इस जगत में, किशोरी जी के प्रति नहीं है, यहाँ लालसा है, तो जब यहाँ लालसा बढ़ती है, अरे ये नहीं ये नहीं, किशोरी जी आप ही की कृपा चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, किशोरी जी थोड़ा और बड़ा उपकरण दे दिया, कोई पीछे जय जय करने वाला आ गया तो ओह बड़ा आनंद हो गया, अब यहाँ बड़ा मजा आ रहा है, अब बड़ा मजा, अब फिर अब किशोरी जी नहीं चाहिए, अब क्या है, क्योंकि हम उसी को समझते हैं, ये भगवान की कृपा है। अनुकूल अवस्था को
भगवान की कृपा मान के भोगना, ये भगवान की सबसे बड़ी माया है, सबसे बड़ी माया ये। और अधिकतर हम लोग इसी में फंस जाते हैं। जब अनुकूलता होती है तो हम बोलते भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है। वास्तविक बात यह है कि वो माता की असली कृपा नहीं है जो उसने छोटा सा खिलौना देके बच्चे को बिजी कर दिया। असली कृपा कब है? जब वो अपनी गोद में उठा ले। तो हम जब ये माया के उपकरणों से, माइक संबंधों से, माइक भावों से जब हम प्रसन्न हो जाते हैं, तब हम सबसे बड़ी भूल करते हैं। आज किसी से भी पूछो कि क्या है ये सब मिल गया, भगवान की बड़ी कृपा है। हम भगवान की कृपा का यही तो रूप जानते हैं बस, और कौन सा रूप जानते हैं? कुछ उपकरण मिल गए, कुछ फायदा हो गया, अच्छी जॉब लग गई, अच्छी पत्नी मिल गई, बच्चे हो गए, घर परिवार में सुख हो गया, गाड़ी मिल गई, फैक्ट्री हो गई, ये सब सब जैसे मिलेगा तो आप क्या बोलोगे? कोई ये बोलेगा भगवान की कृपा नहीं है मेरे पे, मुझे तो भगवान चाहिए, कोई बोलेगा? जब ये सब मिल जाता है तो सब बोलते हैं आप कैसे हो, बड़ी कृपा है भगवान की, बड़ा आनंद है। और ये कृपा नहीं है, ये माया है। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम उस माया का भोग कर रहे हैं, अब हम उस अनुकूल अवस्था का भोग कर रहे हैं। और जब उस अनुकूल अवस्था का भोग करने लग गए और उसको हमने भगवान की कृपा जान लिया, तब हम माया में और फंस गए। अब जब उस अनुकूल वस्तु का आपने भोग कर लिया तो अब उसका बिछाव भी होगा, अब जब वो जाएगी तो फिर दुख भी होगा। और जो ही किशोरी जी श्याम सुंदर असली कृपा करते हैं, जब इस जगत से उसका कुछ ले लेते हैं, हटाओ ताकि इसका ध्यान अब मेरे में लगे, अब बुलाओ इसको, जब माता जो है खिलौने हटा देगी, चलो हटो, क्यों? क्योंकि अब मैंने गोद उठाना है, अब उसके ऊपर जितनी चीज़ों से खेल रहा है ये सब हटाओ, ये सब हटाओ, ये सब हटाओ, क्यों? अब मैं इसे लेके बैठूंगी। और हम लोग जो हैं जब ऐसे ही माया के उपकरण हटते हैं और प्रतिकूलता आती है थोड़ी सी भी, तो हम क्या सोचते हैं? भगवान पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, कितने दुष्ट हैं ये भगवान। और गुरु को, भगवान को, भक्ति को, भजन को, सबको गलत समझना शुरू कर देते, ये सब खराब है, ये कोई लाभ नहीं हुआ इसका, इतना करा क्या फायदा हुआ, इतने समय भजन किया, ये देखो क्या हो रहा है, भजन करने वाले के साथ कभी ऐसा होता है क्या? ये छिन रहा है, ये छिन रहा है, ये छिन जो रहा है ये भगवान की कृपा है, ये कृपा है। वास्तविकता में इस जगत की जो प्रतिकूलता है वो भगवान की कृपा है, पर हम कृपा के रूप को जानते ही नहीं। हम संत महात्माओं से बोलते हैं महाराज कृपा करना, महात्मा कृपा करना। एक महात्मा ने कह दी यदि मैंने कृपा कर दी, रो गए, महाराज ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, हमारी फैक्ट्री का उद्घाटन कर दो। महाराज ने कही हमसे ना कराओ। नहीं महाराज आप ही करो। बोले हम करेंगे तो फैक्ट्री चलेगी नहीं, बंद हो जाएगी, वृंदावन आ जाओगे। हम तो खुद वृंदावन के हैं, ब्रज में रहने वाले हैं, निष्किंचन एकदम। हम तो चाहते हैं जो ठाकुर जी की विशेष कृपा हो वो भी यहीं आके ब्रज में ऐसे ही निष्किंचन भाव से रहे, तो हमारी कृपा होगी तो ऐसा होगा। बोलो बोले महाराज कोई बात नहीं, आप व्यस्त तो रहने दो, किसी और से करा लेंगे फैक्ट्री का उद्घाटन। तो हम लोग प्रतिकूलता को समझते हैं कि ये भगवान की दुष्टता है, पर भगवान की वास्तविक कृपा क्या है? जब थोड़ा संसार बिखरने लगे, जब संसार बिखरने लगता है तो जीव फिर भागता है। कितने भक्त अपने को देखो कि कैसे आए भजन में, प्रतिकूल अवस्था से आए, अनुकूल अवस्था रहती तो नहीं आते, प्रतिकूलता आई जीवन में तब भजन में आए। आज नहीं समझ में आ रही, मगर जब आप मान ली सिद्ध हो गए, आप मंजरी स्वरूप में चले गए, अपना टर्निंग पॉइंट क्या मानोगे? वही जब प्रतिकूलता आई थी, तब हमारा भाव बड़ा था भगवान में। पर आज के समय में हम कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई प्रतिकूलता हमारे पास नहीं आना चाहिए। और हम अपने गुरुजन गुरु हम बोले अरे हमने तो करके देख लिया, हमने बहुत करके देख लिया, तुम्हें फंसने की जरूरत नहीं है जंजाल में, कुछ नहीं मिलता। इतना खराब हम लोग हो जाते हैं, हमारा इतना खराब आचरण हो जाता है प्रतिकूलता देख के, कि हम भगवान का सबसे सबसे प्रिय भक्त कौन है जो और भक्तों के भी भक्ति का कारण बने, और वही जीव जो है वो और भक्ति लोगों की और भक्ति के विनाश का कारण बन जाता है। कोई जा भी रहा हो अरे मत जा, बहुत मत कर, हमने बहुत करके देख लिया, करने की जरूरत नहीं है।
कुछ नहीं मिलता इससे, तो महाविनाशकारी हो गया, असुर हो गया, जबकि अब तो उस पर विशेष कृपा हुई थी। तो इसीलिए कृपा के स्वरूप को समझना चाहिए। केवल अनुकूलता भगवान की कृपा नहीं है, और प्रतिकूलता कोई भगवान की दुष्टता नहीं है, प्रतिकूलता में उनकी कृपा जो है वो निहित है, प्रतिकूलता में ही उनकी कृपा दिखेगी। मगर वो क्योंकि हम संसारिक हैं, गलती हमारी है, हमारे नेत्र केवल संसार देखना चाहते हैं, हमारी इंद्रिय केवल संसार भोग करना चाहती है। हम वो आस्वादन ये पढ़ तो रहे हैं राधा रस सुधा निधि, पर राधा रस सुधा निधि पढ़ के अगर वो आस्वादन करने की लालसा नहीं जगी तो क्या फायदा हुआ पढ़ने का? पढ़ने का फायदा ये है कि मेरी वहां उस जगत को आस्वादन, उस जगत का आस्वादन लेने की मेरी लालसा बढ़े। तो संसार में थोड़ा उठा पथा लो तो भी समझ में आए ये पढ़ने का क्या लाभ है। मैं ये देह हुई नहीं, मैं इस संसार का हुई नहीं, मैं तो मंजरी हूं, ये है किशोरी जी मेरी अपनी है, ये गुरु मंजरी मेरी अपनी है, ये मेरे अपने हैं, मुझे यहां जाना है, ऐसा समझ में आना लगे ये भगवान की कृपा है। पर क्या अनुकूलता में कभी ये बात समझ में आएगी? नहीं आएगी, प्रतिकूलता में ही ये बात समझ में आती है। तो इसीलिए भगवान की कृपा के स्वरूप को समझते नहीं। अब श्रीपाद यहाँ रो रहे हैं, हाहाकार कर रहे हैं, चित्कार रहे हैं, कितने आनंद से पढ़ रहे हैं, बड़ा मजा आता है। वो रो रहे हैं, चित्कार कर रहे हैं, लेकिन हमें आनंद हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें पता है इसके बाद उन्हें आनंद मिलने वाला है, वो आनंद जो इस जगत में किसी को नहीं मिल सकता, वो आनंद जिसके आगे ये पूरा जगत तुच्छ है, इस जगत के सारे आनंद एकत्रित हो जाएं तब भी जो श्रीपाद को आनंद मिल रहा है वो उनके आगे तुच्छ है, ये बात हम जानते हैं। इसीलिए उनके हाहाकार, उनके रोने को, उनके चित्कार को हम लोग आनंद से पढ़ रहे हैं, और अपने हाहाकार और रोना हो जाए ये नहीं चाहिए। किशोर जी मेरे साथ नहीं, श्रीपाद के साथ ही रखो, वो रोए हाँ करे चित्कार के उनको, मुझे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पढ़ने का लाभ नहीं है फिर राधा रस सुधा निधि, रोना होगा किशोरी जी के लिए, रोना होगा, यहाँ हाहाकार होगी कि आपके बिना कोई नहीं है, तब वो आस्वादन मिलेगा। उसके बिना ये आस्वादन नहीं मिल सकता, असाधारण है, इतना साधारण नहीं है कि इस जगत में इंद्रियां भोग कर रही हैं और उसके साथ साथ वहाँ किशोरी जी की सेवा का आनंद भी जीव उठा रहा है। आज तक कोई ऐसा दिखा हो तो बताओ, पढ़ा हो आज तक किसी ऐसे भक्त के बारे में कि जो संसारिक पूरे आनंद ले रहा है, नई नई गाड़ियों के बारे में सोच रहा है, काम बढ़ाने के बारे में सोच रहा है, और सुबह बोलता है किशोरी जी की सेवा भी करके आ रहा हूं। अगर जनक महाराज जी वगैरह देखें, अम्बरीश महाराज जी को देखें, तो क्या उनके बारे में बताए, यहां की वस्तु का भोग नहीं कर रहे। राजसी वेश में भी रह के एकदम साधु है। अगर इंद्रियां यहां का भोग कर रही हैं तो वो इंद्रियां वहां का आस्वादन नहीं ले सकती। आपकी भारी स्थिति कैसी है उससे फर्क नहीं पड़ता, आप गृहस्थ में हो कि आप सन्यास में हो, आप पैसे वाले हो कि आप निर्धन हो, आप फैक्ट्रियां हैं आपकी, आपके पास कुछ नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी भोग करने की प्रवृत्ति कहां है उससे फर्क पड़ता है। हनुमान प्रसाद जी ने जब उनको सब भाई जी बोलते थे ना, हम तो सन्यासी हैं। उनकी पत्नी ने सुना, भाई जी आज प्रवचन में बोल के आए, हम तो सन्यासी हैं। पत्नी ने बोला, मेरा तो संसार ही खत्म हो गया, आप कभी झूठ बोलते नहीं, और आपने ही कह दिया कि सन्यासी, तो अब तो आप चले ही जाओगे यहां से। बोले, नहीं, तुम्हारे लिए मैं हनुमान पुदारी हूं। बोले, ये कैसे? बोले, मैं गृहस्थ में ही रहूंगा, मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, पर गृहस्थ को भोग नहीं करना चाहता मैं। मेरे लिए तुम एक ऐसे हो जैसे एक भक्त के संग में रह रहा हूं। हमारा पत्नी और पति वाला संबंध नहीं है, हमारा दो भक्तों वाला संबंध होना चाहिए। बाकी रहूंगा यहीं पे ऐसे, और आजीवन गृहस्थ में रहे। पर आज सन्यासी भी ऐसे नहीं होंगे जैसे उनका चरित्र है। तो इसीलिए इससे फर्क नहीं पड़ता। वो आदमी बोले, मेरी क्या गलती है यार, अब मेरी फैक्ट्री है, मैं घर में रहता हूँ, तो क्या मुझे राधा रानी मिली? आपकी गलती ये नहीं है। आप उसका अगर भोग करना चाहते हो, अगर आप उसकी अनुकूलता में भगवान की कृपा के दर्शन कर रहे हो, ये आपकी गलती है। अगर आपका मन संसार भोग में ही लगा हुआ है तो फिर वो आस्वादन नहीं होगा, वरना कहीं भी रहे। नहीं तो आदमी चाहे 100 करोड़ के घर में रहे
और एक भिखारी जो है वो फुटपाथ पे बैठा हो, मगर भिखारी की भी इच्छा होती है कि ये गाड़ी आ रही है ये मुझे कम से कम 10 रुपए का नोट दे जाए, तो उसमें और उसमें कोई भेद नहीं है। ये नहीं कि भिखारी के पास कुछ है नहीं, केवल वो कहे मेरे पास तो बस एक ये लोटा ही है और कुछ है नहीं, लेकिन इच्छा तो पूरी भोगने की है। प्रत्येक जीव से भोग करना चाहता है कि ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। तो जब तक जीव की इंद्रियां, जीव का मन इस संसार को भोगना चाहता है, तब तक उसको ये आस्वादन नहीं होगा जो राधा रस सुधा निधि में श्रीपाद को हो रहा है। ये आस्वादन तब होगा जब हम इसका लाभ पढ़ने का तब है जब हम धीरे 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 यहां से अपनी इंद्रियों को खींचे। पर हम में इतना बल नहीं है कि सब कुछ सही रहते हम इंद्रियों से खींच दे। इसीलिए किशोरी जी, श्याम जी कृपा करके जीवन में थोड़ी प्रतिकूलता लाते हैं। प्रतिकूलता आएगी तो ये चिंतन बनेगा, हटाओ इस जगत से अपना मन, ये सब नश्वर है, पता नहीं कब क्या खत्म हो जाए, पता नहीं कब किसका बिछोह हो जाए, पता नहीं कब कौन यहां से चला जाए। जब ऐसी परिस्थिति आती है तब ऐसे चिंतन में आता है, जब अनुकूलता में है तो कहां आ रहा है। जीव की शादी हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, वो कभी सोच पाएगा कि पता नहीं ये हो जाए, पता नहीं हो जाए, कुछ नहीं होता, लाइफ को एंजॉय करो, अच्छा सोचो अच्छा ही होगा, ये सब प्रवचन देते हैं हम लोग। बढ़िया बढ़िया, क्यों नेगेटिव बातें सोचते हो, मरना जब मरना देखी जाएगी, अभी इंजॉय करो अपनी लाइफ को पूरी। तो जब ऐसी अगर हमारी अनुकूलता में अवस्था है तो कहाँ फिर किशोरी जी का चिंतन होगा, कहाँ उनकी कृपा के दर्शन होंगे। तो इसीलिए हमारे जीवन में प्रतिकूलता आती है, ये भी उनकी कृपा है, इस प्रतिकूलता को भी कृपा जानना चाहिए, तब समझ पाएंगे हम लोग। तो श्रीपाद बोल रहे हैं, तुम्हारी विरह ज्वाला में मेरे प्राण जा रहे हैं, कृपा करके एक बार अपना स्वरूप प्रकट करो, तुम अपेक्षा करोगी तो मैं और किसके पास जाऊंगी। कैसी अवस्था ये, आपके अलावा कोई है ही नहीं, आप मुझे छोड़ दोगी तो मैं किसके पास जाऊंगी, एक बार मुझे अपना रूप दिखा दो एक बार। ऐसे ये जैसे हम पढ़ लेते हैं ना, हम कैसे पढ़ लेते हैं इसको, स्वम रूपम अविष्कुरु, तुम्हारी विरह ज्वाला में प्राण जा रहे हैं, कृपा एक बार अपना स्वरूप प्रकट करो, तुम अपेक्षा करोगे तो मैं किसके पास जाऊंगी, ऐसे पढ़ने वाली बात नहीं है ये। हाहाकार हो रही है, चित्कार हो रही है, भाव के साथ लिखा जा रहा है, अरे तुम मुझे छोड़ दोगे तो कहां जाऊंगी मैं। कोई जीव चिल्लाते हुए रोते हुए जब ये बात बोलेगा कि मेरा कौन है आपके अलावा, तब किशोरी जी वो स्वरूप प्रकट करेंगे। आप बोले श्रीपाद ने बोला, मैंने भी बोला है, मैं भी पढ़ रहा हूं, दिन में 2 बार मैंने श्लोक पढ़ा है, मैंने तो अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लिखे लगा लिया स्वयं रूपम अविष्कुरु, जब देखता हूं स्वयं रूपम अविष्कुरु, किशोरी जी मेरे को भी रूप दिखा दो, किशोरी जी मेड सर्वेंट है, आपने बोला किशोरी जी रूप दिखाओ, ऐसे थोड़ी होता है, रो के चित्कार होगी जब तब रूप दर्शन होगा, भाव को समझना होगा जिस भाव से ये लिखी है, जैसे रुदन के साथ बोला गया वैसे बोलेंगे तब दर्शन होगा। पर वैसे फील कैसे करें जब तक सब अनुकूलता में है, वो फील ही नहीं हो सकता, उसके लिए फिर भगवान प्रतिकूलता का वातावरण देते हैं। 1 महीने बाद आपको कोई बोले कि फील करो कि जैसे गर्मी में आदमी का पसीना आ रहा हो, ये आ रहा हो, आपको फील हो ही नहीं, स्वेटर पहने हुए हमने, कहाँ फील हो रहा है हमें। जब थोड़ा ताप आएगा, पसीना निकलेगा, तब फील होगा, हाँ यार जिसके पास एसी नहीं है बेचारा कैसे बाहर धूप में बैठता हुआ है ना। तो ऐसे ही थोड़ी प्रतिकूलता इसीलिए दी जाती है कि हम समझे हाँ इस जगत में कुछ नहीं है, ये सब नश्वर है, फिर उनके लिए रुदन होगा हमारा। दादा स्वामी से संबंध भी नहीं माना ना कि वो मेरी है, क्योंकि इस जगत में सबके साथ बना हुआ है, जगह ही नहीं है, उनसे संबंध होने का तब तो उनका विरह उत्पन्न होगा ना, जगह ही नहीं है ना, कैसे करें। अभी ये सारा संसार में मन रमा हुआ है, तो जब तक संसार में मन रमा हुआ है तब तक उधर जाएगा नहीं। जब कोई एक ब्लैंक आएगा, कोई जैसे पेरेंटिंग में भी ये बोला जाता है, आप बच्चे को सारी चीज़ें देते जाओ, वो जो मुंह से निकाले आ कहो चलो बच्चा है दे दो, चलो बच्चा है, चलो बच्चा, यही बच्चा बड़ा होकर दुर्योधन बनेगा। क्यों? क्योंकि उसने कभी जीवन में ना देखा ही नहीं। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जब कोई प्रतिकूलता आई ही नहीं, हमें सब मजा आ रहा है, जो मिल जो मांग रहे मिल रहा है, और अब क्या है, बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, बड़ी कृपा, बड़ा आनंद आ रहा है। ये कृपा नहीं है, ये माया है, ये बहलाया जा रहा है आपको, क्योंकि आप बहल रहे हो। वो भी क्या करें, वो क्यों अपना दर्शन कराएं, आपको चाहिए भी तो नहीं, वो आपको चाहिए भी खिलौने, माता को दुष्ट थोड़ी बोलोगे अगर बच्चा रो रहा है और वो खिलौना दे दे और बच्चा खिलौने से खुश हो जाए, अब ये थोड़ी कहोगे बड़ी दुष्ट माँ है, नहीं बोलोगे ना,
यही करेगी माँ, बच्चा खिलौने से खुश हो रहा है खिलौना दे देंगी, तो हम भी तो खिलौने से खुश हो रहे हैं तो खिलौने मिल रहे हैं, पर जब रुदन होगा नहीं आपे ही चाहिए हो तो फिर जो किशोरी जी अपने रूप का दर्शन कराएगी। इस निदार सुनो, इस निदारुण विरह की कल्पना करना भी भजन संपत्ति शून्य मानव के लिए संभव नहीं है, ये बाबा बता रहे हैं। ये निदारुण विरह, ऐसा भयंकर विरह जो है उसकी, वो विरह बहुत ज्यादा है और हम इतनी सी भी कल्पना उसकी नहीं कर पा रहे, क्योंकि भजन संपत्ति शून्य जीव है हम, हमारे पास वो भजन की संपत्ति है ही नहीं, हमें वो आस्वादन हुआ ही नहीं, मिला ही नहीं, ना लेना चाहते हैं, तो उससे शून्य है, इसलिए हमें ये बात समझ में नहीं आ रही। स्वामिनी के साक्षात दर्शन की लालसा उत्तरोत्तर बढ़े जा रही है, उनके भीतर बढ़ती जा रही है, रुदन बनता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, विरह बढ़ता जा रहा है, प्राण कुसुम के इस परिमल को मर्मी जो अनुभवी साधक है उसके उद्यान को छोड़ अन्यत्र और कहीं नहीं मिलेगी। कहने का तात्पर्य कि जो उनके प्राण रूपी पुष्प में ये जो विरह रूपी खुशबू है, ये कोई विरही व्यक्ति ही जान पाता है, उसके बोले उसके गार्डन में ही मिलेंगे ऐसे पुष्प जिनमें ये विरह रूपी सुगंध होती है, समझ गए। थोड़ा पोइटिक वे में इसको प्रस्तुत किया गया है। शील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने भी रो रोकर प्रार्थना करी है, विलाप को सुमांजलि में हम लोग पढ़ते हैं उनकी प्रार्थनाएं, और यहाँ पे शत नाम स्त्रोत्र की रेफरेंस दिया गया कि उस शत नाम स्त्रोत्र में भी वो श्री राधा के चरणारविंद, जिनका उनका एकमात्र आश्रय ही केवल राधा के चरणारविंद रहे, वो दीन दासी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अपने को दीन दासी मानते हुए कुंड तीर पर बैठकर उनके मुख चंद्र की दर्शन की लालसा के लिए आर्त स्वर से रोते हुए इस नामावली का गायन कर रहे हैं। ये किस नामावली का, जो उसमें सारी दी गई है शत नाम स्तोत्रम में। शत नाम स्तोत्रम मतलब 100 नामों से उनको पुकारा गया, वो स्तोत्र एक कहलाया गया, तो 100 नामों का उच्चारण उन्होंने कैसे किया, जैसे यहाँ पे श्रीपाद 10 नामों का उच्चारण कर रहे हैं। ये 10 नाम हम याद कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, हम याद करके ये बात बोलेंगे, पर ये याद करके बोले हुए नहीं है, ये अनुभव से बोले हुए हैं, ये देख के बोले हुए हैं। जैसे अभी ये माता जी बैठी हैं, हम बोले हुए ग्रीन सूट वाली, ये काले दुपट्टे वाली, ऐसे हम पुकारें, है ना, गाने भी आजकल ऐसे, तो क्यों, क्योंकि वो देखा है वैसी चाहिए, तो ऐसे ही श्री जी को देखा है ऐसा, वैसी श्री जी चाहिए, वैसी किशोरी जी चाहिए। उन्हें स्फूर्ति के देवता को 10 संबोधनों से उन्होंने अपने व्याकुल प्राणों से उनको पुकारा। निकुंज लीला के अंत में श्रीमती को जिस रूप में सजाया था, अब लीला का स्फुरण उनके हृदय में हुआ था, वो क्या लीला थी जिसमें निकुंज में श्रीमती का श्रृंगार कर रही हैं श्रीपाद मंजरी स्वरूप में, तो जैसा उन्होंने श्रृंगार किया था, जिस रूप को देखकर श्याम सुंदर भी अपने मन प्राण खोकर विभोर हो गए थे, ऐसा सुंदर मंजरी ने, श्रीपाद ने मंजरी स्वरूप में किशोरी जी को तैयार किया था, अब उसी रूप में वे श्री जी के दर्शन करना चाहती हैं, उसी रूप के, क्योंकि मैंने तैयार किया था तो मुझे तो सब पता है ना कि ऐसे 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 आप थी, और अब मुझे उसके दर्शन करने हैं, उसी रूप को ध्यान करके फिर उन्होंने तैयार किया, फिर निकुंज में, निभृत निकुंज में श्याम जू के साथ लीला भाई किशोरी जी की, और उसको कुंज रंध्रों से देखा, और जो कुंज रंध्रों से जिस स्वरूप का दर्शन किया, अब वो स्वरूप को याद करके कुंज रंध्र से दर्शन तो कर लिए, पर उसके बाद लीला विराम आ गया, और जैसे ही लीला में विराम आ गया, अब वो जो दर्शन करे थे, एक तो जो मैंने तैयार किया था, फिर उसके बाद श्याम सुंदर प्राण हारा हो गए, आपको देख के मुग्ध हो गए, और फिर मुग्ध होने के बाद जब उन्होंने आपके साथ रस विलास किया, उसके बाद आपका जो स्वरूप और निखर गया, उस स्वरूप के दर्शन करने हैं, और उसी स्वरूप के दर्शन के ये 10 संबोधन हैं। ऐश्वर्य उपासक इसको नहीं समझ सकता, बड़े प्रेम से निभृत निकुंज में जो मंजरी का आस्वादन है, यहाँ बाबा बता रहे हैं जैसे भीष्म पितामह जो थे ऐश्वर्य उपासक है, उन्होंने वहां पे
श्याम सुंदर को कहाँ देखा है, कुरुक्षेत्र में। अब जब वो अपनी तीरों की शैया पे लेटे हुए थे भीष्म पितामह, तो अंत में बड़े भगवान के प्रेमी भक्त है, पर ऐश्वर्य भाव के प्रेमी है। ऐश्वर्य भाव से उन्होंने भगवान के दर्शन किए। वृंदावन के भगवान को नहीं जानते हो, वृंदावन क्योंकि वृंदावन के भगवान ही नहीं है, वृंदावन के तो श्याम सुंदर है, वहाँ भगवत्ता तो है ही नहीं। उन्होंने तो कुरुक्षेत्र के कृष्ण के दर्शन करे, उसी से प्रेम किया है। तो जीवन के अंत में भीष्म पितामह ने अपने अंतिम समय में जब श्याम सुंदर स्वयं उनके सामने प्रकट हुए, वो समझ गए आज मेरे भक्त का आखिरी दिन है। ये देखो समझो, जब प्रेम कोई करता है भगवान से तो भगवान उसका चिंतन करके, हम क्या सोचते हैं, हे भगवान आखिरी समय में आपका चिंतन हो जाए, हे किशोरी जी आखिरी समय में आपका नाम मेरे मुख से निकल जाए। अलग अलग तरीके के चीट कोड्स बनाए हुए हैं, भैया अपने पास प्रसाद रखो, ये रखो, जैसे कुछ लगे प्रसाद मुंह में डाल लो, प्रसाद और भगवान एक ही है, ऐसा हो जाएगा। समय नहीं मिलेगा आपको ये सब करने का, नाम ले लो इन चीट कोड्स का, जब तक हमारा मन लगा नहीं। और मन लग गया तो श्याम सुंदर जो है भगवान श्री कृष्ण ध्यान कर रहे हैं, सुबह बैठे हुए ध्यान में भीष्म पितामह आए, और भीष्म पितामह का तो आज अंतिम दिवस है, आज वो अपना शरीर छोड़ने वाले हैं। भागे हुए भीष्म पितामह के पास गए, भीष्म पितामह कह रहे हैं मेरी जो पुत्री है आज तक कुंवारी है, उसके लिए कोई वर नहीं मिला, आज आपके साथ में उसका विवाह कराता हूँ। सब लोग हैरान हो गए, भीष्म पितामह ये तो अखंड ब्रह्मचारी, इनकी पुत्री कहाँ से आ गए। बोले मेरी पुत्री मेरा मन है, मैं इस मन का विवाह आपसे कराना चाहता हूँ श्याम सुंदर। और उसके बाद श्याम सुंदर की जो छवि उनके हृदय में आई, वो बोले कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय, अब ब्रज भाव से अगर देखोगे हंसी आएगी, भाई क्या भाव के दर्शन करें। बोले कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय जब अश्वों के खुरों से उठी धूल जो है वो आपके मुख पर आ रही थी, और रथ चालन के समय जो आपको श्रम हो रहा था, और उससे आपके श्री मुखमंडल में जो स्वेद बिंदु आ रहे थे, भाई किसकी धूल उड़ रही है, भाई क्या बोल रहे हो यार, कैसी स्तुति हो रही है। अब उन्होंने दर्शन ही ये करे हैं, और श्याम सुंदर हमेशा ही सुंदर लगते हैं, अब क्या करें, वो कभी ऐसा तो होता नहीं कि कभी खराब लग रहे हैं, तो उनको वो कहाँ सुंदर दिख रहे हैं। बोले जब रणभूमि के बीच में घोड़ों के पैर से जो धूल उड़ रही है, वो धूल उनके मुंह पे चिपक गई है क्योंकि श्रम हो रहा है, पसीने आ रहे हैं, वो कह रहे हाँ हाँ वो क्या मुख था, वो आपका क्या मुख था। ये स्तुति है उनकी, श्याम सुंदर भी खुश हो रहे हैं, मगर ब्रजवासियों को हंसी आती है, यार घोड़े के पैर से युद्ध भूमि की माटी उड़ रही है, कोई रज थोड़ी है रही, वो तो वो वहां की माटी वो भी घोड़े के पैर से उड़ रही है, उनके मुख पे लग रही है, पसीने आ रहे हैं, और क्या बोल रहे, और जो मैं बाण चला रहा हूं और आप जो है भक्त वात्सल्यता से वो अर्जुन को नहीं लगने देते, वो बाण अपने हृदय पे ले लेते हो और फिर जो रक्त निकल रहा है कितने सुंदर लग रहे हैं। किशोरी जी मिली अर्जुन के, बोले निपटे तू कैसा है, हमारे इतने कोमल श्याम सुंदर को रथ के आगे बिठा के घूम रहे और अपने को मित्र कहता है उनका, निर्लज हम अपने वक्षों पे उनके चरण नहीं रखती कि हमारे वक्ष कठोर हैं और उनके चरण कोमल हैं, और तू अपने आगे ढाल बना के उनको युद्ध कर रहा है और कहता है मैं मित्र हूं। तो ब्रजभाव का जो प्रेम है वो प्रेम यहां समझ नहीं सकते, यहां क्या प्रेम, आपके आपने तीर जो मेरा खाया उससे आपका जो खून निकल रहा है, घोड़े के पैर से जो आपकी माटी उड़ के आपके चेहरे पे लग रही है, क्या सुंदर दृश्य है, और मजाक थोड़ी है, उन्होंने स्तुति करी है क्योंकि उन्होंने यही देखा है, यही देखा है, इससे आगे कुछ देखा ही नहीं है। और श्याम सुंदर वो हमेशा बड़े सुंदर लगते हैं, तो ये भी उनको बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब सखा भाव से गोविंद देव जी में वहां गाया जाता ना, यशोदा मैया खोल किवड़िया लालो आयो गाय चराए। अब वो क्या बोल रहे हैं, वो गाय चरा के आ रहे हैं ना, मैया मैया केवड़िया खोल दो, लालो आए देनु चराए, सावर आए धेनु चराए। वहां गायें हैं, वहां अश्व नहीं है, घोड़े की धूल नहीं उड़ती वहां पे, वहां गायों की धूल उड़ती है। और गोपियां जो है जब वो मंजरी भाव में उपासना करती है, वो क्या कहती है, दिन परीक्षये नील कुंतलई वन हारुनम, आपका जो नील कुंतल जो आपके नीले बाल हैं, जो आपके घुंघराले बाल हैं, वन रुहाननम, जब वो आपके वन से जब आप आते हो तो आपके चेहरे पे आते हैं, बिब्र दावृतम
घन रज स्वलम, ये अब ये भी बोल रही है माटी, आपकी जो माटी उस पर लगी होती है, दर्शन मुहून मर सी मना असी नास मरा वीर यच्छसी। हे श्याम सुंदर, जब आप गौए चरा के वहाँ से लौट रहे होती हो और हम आपको देखते हैं कि नीली नीली अलके जो हैं वो आपकी लटक रही हैं और स्वेद बिंदु आपके चेहरे पे है और गौ के खुर से जो माटी जो धूल उड़ रही है वो आपके चेहरे पे लगी है, तुम अपना वो मनोहरी सौंदर्य जो है हमें दिखाकर हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा उत्पन्न कर देते हो। हम बैठी हैं, हमें ये दिन जो है बहुत लंबा लग रहा है, आपके दर्शन करना चाहती हैं, पर ऐसे दर्शन देती हो, ऐसे दर्शन देते हो आप कि फिर मिलन की आकांक्षा हो जाती है, ऐसे लगता है कि बस अब सब चले जाएं और आप मिल जाओ। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, घन रज स्वलम दर्शयन मुहूर मन असी ना स्मरा वीर यच्छसी। आपके जो गौओं की धूल, जो गौओं की रज उड़ रही है वो आपके चेहरे पर लग रही, भाव वैसा ही है। अब उन्होंने जो ऐश्वर्य भाव के उपासक हैं उन्होंने अश्वों की रज ही देखी है, हैं, और अश्वों की वहाँ की जो रज है वो रज क्या है, मतलब रज तो है क्योंकि भगवान है वहाँ पे, उनके चरण भी लगे होंगे वहाँ पे, लेकिन वहाँ की जो माटी है वहाँ पे खून गिरा हुआ है, वहाँ वध हो रहा है, वहाँ युद्ध हो रहा है, कितने कितने सैनिकों के शव पड़े हुए हैं वहाँ से, वो तो ऐसा ही है वो, तो उस भूमि की जब धूल उड़ रही है भीष्म पितामह को वो सुंदर लग रही है। यहाँ पे वो कह रहे हैं जब आप ब्रज में गौए आगे पीछे आपके चलती है और गौओं के जो चरणों से रज उड़ के आपके चेहरे पे लग रहे हैं, हमें वो सुंदर लग रही है। तो भाव में बड़ा भेद है, मतलब प्रेम तो दोनों का है, प्रेम दोनों का है, आस्वादन वही है, मगर जो ये ब्रज में आस्वादन है ये बाबा बता रहे हैं, जो ऐश्वर्य भाव का उपासक है वहाँ को ये उपासन वो ये आस्वादन नहीं हो सकता। इसमें तो ऐसा लग रहा है भीष्म पितामह की और स्तुति हो रही है, उन्हें तो वहाँ पे भी सुंदर लग रहे हैं। भगवान क्योंकि हमेशा ही सुंदर है, भगवान कैसे भी रहे वो सुंदर है, वो कैसे भी दर्शन दे दें वो सुंदर है। अब उनके दर्शन वहाँ हो ही वो तो वो सुंदर है, अब ये वाले दर्शन कर लेते तो वो फीका लग जाता, जब ब्रज के दर्शन कर लें फिर वो फीका लगेगा, मगर अभी वो दर्शन हुए ही नहीं तो इसीलिए बता रहे हैं कि देखो उन्हें तो वो सुंदर लग रहे हैं, उनकी वो वही उपासना है। तो उनका वो बोल रहे हैं श्री कृष्ण आपके तो इसी रूप में मेरा मन जो है मुग्ध है भीष्म पितामह। उसी प्रकार श्री युगल की मिलन लीला जो है किंकरी का एकमात्र काम्य है। अब मंजरी क्या चाहती है, श्याम सुंदर के साथ किशोरी जी का मिलन हो जाए, मैं वो देखना चाहती हूँ। और विलास के अंत में जिस रूप से श्री जी सुसज्जित हुई हैं मैं उस रूप के दर्शन करना चाहती हूँ। यहाँ पे श्रीपाद ने मैंने बताया ना तैयार किया, अब तैयार करने के बाद श्याम सुंदर मुग्ध हो गए, यही मंजरी की सफलता है सेवा की, कि ऐसा किशोरी जी को तैयार किया कि उनके श्रृंगार से श्याम सुंदर देखते ही मुग्ध हो गए। और जब वो मुग्ध हो गए तो उसके बाद उन्होंने जो किशोरी जी के साथ रस विलास किया, उस रस विलास के उपरांत अब जो किशोरी जी के दर्शन हुए वो दर्शन मैं करना चाहती हूँ, श्रीपाद बोल रहे हैं। यहाँ जो 10 नाम पुकारेंगे वही वाले दर्शन के 10 नाम है, इसीलिए उल्टे सीधे जो हमें शुरू में लग रहे थे। हे स्निग्ध कुंचित नील केशी, अब उलझे हुए बाल क्यों, बोले विलास के पश्चात जो अस्त व्यस्त आपकी केश राशि है ना, जो श्याम सुंदर के साथ आपके केश उलझ गए अब रस विलास में, मुझे वो बोले दर, इसीलिए उलझे हुए, इसीलिए ये नहीं बोला कि मेरे को आपके सुसंस्कृत एकदम बढ़िया, हम गए मॉडल ऐसी हो भैया एकदम बढ़िया, एकदम बाल उसके टिक टॉक हो, एक भी बाल निकल ना रहा हो, पर हमारी मॉडल किशोरी जी, हम बोले हम तो आपको ऐसा देखना चाहते हैं किशोरी जी, आपके सारे बाल जो है एकदम ऐसे अस्त व्यस्त, क्यों, क्योंकि वो विलास के बाद के दर्शन है। अब जब किशोरी जी वहाँ कुरुक्षेत्र में आई थी, ग्रहण का समय था, वहाँ पे आई तो बड़ी लालसा हुई सब रानियों के भीतर कि उनको देखें, तो सब रानियाँ दर्शन करने गईं वहाँ पे उनके, हमने पहले भी चर्चा करी इसकी, कितनी सारी रानियाँ, 1000 रानियाँ गईं। बोले पहले जैसे ही देखा
जैसे ही देखा महाराज 50% रानियां मूर्छित हो गई स्वरूप देखो। रुक्मणी जी कह रही किशोरी जी आपका कैसा स्वरूप है, हम तो केवल सुनते थे, देख के आज मालूम पड़ा। बोले मैं किशोरी जी नहीं हूं, मैं तो उनकी दासी हूं। ऐसे सात घेरे के अंदर किशोरी जी महाराज आगे गए, बाकी 50% बेहोश, उसके आगे गए और केवल रुक्मणी पहुंची अंत में। और रुक्मणी जी ने जब किशोरी जी को देखा, रुक्मणी जी बेहोश हो गई। कुछ देर के बाद जब उनको जगाया गया और फिर जब अगले, खैर ये सब आप जानते हो, जब बाद में रुक्मणी जी से पूछा कि किशोरी जी कैसी हैं, हम तो मूर्छित हो गए उनकी दासी को देख के, उनका रूप कैसा है हमें बताओ, तो बाकी की रानियों ने बोला कि उनका कैसा रूप है बताओ तो रुक्मणी जी को। रुक्मणी बोलती जैसे हमारे श्याम सुंदर है ना, उन श्याम सुंदर को का रंग सुनहरा कर दो। और कौन से श्याम सुंदर, बोले जब वो अलसाए हुए होते हैं ना, सोए हुए, सो के अभी उठे हैं, थोड़े केश जो हैं हिले हुए हैं, कोई श्रृंगार नहीं है मुख पे, और थोड़े आलस में अलसाए हुए जब सुबह उठ के एक हल्की सी प्यारी सी मुस्कान देते हैं, वो सुनहरे रंग के कर दो, किशोरी जी बन जाएंगे। हम कहते हैं यहां पे इस जगत में कि क्या सोई हुई उठ के आई है क्या, शक्ल कैसी बना रखी है, कोई गंदी लग रही है, हम ऐसे ही बोलते हैं कि सोके उठ के आई है, शक्ल कैसी हो रही है तेरी, हमारी आंखें सूज जाती है, मुंह सूजा हुआ है सोके उठ के आए तो। वहां किशोरी जी के सौंदर्य का वर्णन ही ऐसा हो रहा है कि जब श्याम सुंदर थोड़े अलसाए हुए बिना श्रृंगार के ऐसे उनके केश बिखरे हो और फिर जब वो दिखते हैं ना, उसको सुनहरा रंग कर दो, वो किशोरी जी है। इतनी सुंदर किशोरी जी की सब मूर्छित हो गई, उनका ये स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं कुरुक्षेत्र में, इसी से वो ऐसे हो रही है। तो इसीलिए यहां पे सुसंस्कृत केश नहीं, आपके आपके उलझे हुए केश देखने की इच्छा है। स्वयं रस ने उन्हें इस रूप में सजाया है। अब ये जो रूप है मंजरी ने नहीं सजाया है, मंजरी ने जो सजाया था अब उसके बाद रास विलास थे, ये रूप किसने सजाया, ये रस ने सजाया है। जो किशोरी जी और श्याम सुंदर के बीच का मिलन का जो रस है, ये उस रस ने सजाया है किशोरी जी को। इसका मर्म जो है वो रसिक जन ही बाबा बोले समझ सकते हैं, और लोग नहीं समझ पाएंगे। कविराज गोस्वामी ने बोला है कि ठाकुर जी को तीन लोग सही नहीं लगते, श्याम सुंदर को तीन लोग पसंद नहीं है। कौन, बोले जिसके अंदर कुटिलता हो वो उन्हें अच्छा नहीं लगता, जिसके अंदर चंचलता हो वो उनको अच्छा नहीं लगता, जिसमें निष्ठुरता हो ये उन्हें अच्छा नहीं लगता। और बोले किशोरी जी, बोले किशोरी जी में तीनों गुण है, ये तीनों गुण है उसमें। कारण बोलते कि उनकी जो ये तीन अवगुण संसार में माने जाते हैं, बोले यही तीन किशोरी जी में ऐसे गुण हैं कि यही गुणों पे श्याम सुंदर रीझ जाते हैं। इस जगत में ये सबसे बड़े अवगुण है, कुटिलता, चंचल्य और निष्ठुरता, ये अवगुण है। बोले ठाकुर जी कह रहे ये जिसके अंदर हो वो मेरे को सही नहीं लगता, और बोले इन्हीं तीन अवगुणों से किशोरी जी जो है श्याम सुंदर को रिझा लेती है, वो रीझ जाती है। कैसे, बोले उनके जो केश राशि है उसमें कुटिलता है, कुटिलता मतलब समझ गए, वक्रता मतलब टेढ़े मेढ़े हो गए, उलझ गए। अब ये जो उलझे हुए उनके जो बाल हैं, बोले श्याम सुंदर को यही प्रिय लगते हैं। तो केश राशि में जब वो इस जगत की कुटिलता श्याम सुंदर को हटा देती है, वही कुटिलता जब किशोरी जी के केश राशि में चली जाती है, वो उनको प्रिय बना देती है, और प्रिय बना देती है। बोले चंचल्यता, बोले यहाँ पे कोई बड़ा चंचल है, चंचल मतलब जिसका मन टिकता नहीं है, स्मरण नहीं होता, मेडिटेशन नहीं होता, कुछ नहीं होता, चंचल है, कभी इधर सोच रहा है, उधर सोच रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आज इनको पुष्प चढ़ा रहा है, कल उनको पुष्प चढ़ा रहा है, नहीं ये वाले सही नहीं लग रहे, वो कल, ऐसा जीव का चंचल मन होता है, चंचलम ही मना कृष्णा, अनकंट्रोल्ड माइंड। तो ये ठाकुर जी को प्रिय नहीं है, पर यही चंचलता जब किशोरी जी के नयनों में आ जाती है तो उनके नयन ही उनको रिझा जाते हैं। और निष्ठुरता, बोले उनके जो स्तनों की निष्ठुरता है, बोले ये निष्ठुरता यहाँ पे, निष्ठुरता मतलब सख्त है, मतलब थोड़े और रिजिड है। अब बोल रहे यही जब उनके नितंब देश में आ जाती है, जब उनके स्तन में आ जाती है ये निष्ठुरता, तो किशोरी जी का यही गुण जो है वो श्याम सुंदर को रिझा लेता है। तो तीन बड़े अवगुण इस जगत के वो आ जाके गुण बन जाते हैं।
हम मैथ्स की इक्वेशन भी करते हैं ना, तो इधर जो प्लस होता है वो उधर माइनस चला जाता है, इधर जो डिवाइड होता है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसे ही होता है ना मैथ्स की इक्वेशन, ऐसे ही है इस जगत के यहाँ के अवगुण भगवान में लगा दो, आपने बताया पर स्त्री पे यहाँ पे आपकी नजर पड़ जाए, बोले आपको कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती पर स्त्री गमन करता हो। ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, बोले यही तो आनंद है वहां पे, यहाँ के सबरे अवगुण जो है वो वहां जाके गुण बन जाते, वहां अवगुण है ही नहीं, ये अवगुण, ये सारे अवगुण हमारे भीतर जो हैं, बोले वहां लगा दो। अब बंदे सही हो, गलत जगह पे हो, अब हो तो सही बट यू आर एट रॉन्ग प्लेस। तो चोरी करना, कपट करना, झूठ बोलना, जो अवगुण आपके अंदर है बोले वहां लगा दो। मंजरी क्या क्या, मंजरी भी क्या क्या नहीं कपटता करती, क्या क्या नहीं झूठ बोलती, श्याम सुंदर को कैसे कैसे कर लेती है, डांट देती है, उल्टा सीधा बोल देती है, गाली बक देती है, सब सही है, वो इस जगत में नहीं, उस जगत में लगा दो वहां सब सही है। तो यही यहाँ के अवगुण वहां जाके श्री कृष्ण के परम आनंद का हेतु बनते। फिर दूसरा संबोधन किया, हे विदलद बिम्बोष्टी, आपके विदलित होठ जो है, हम कहें यार कटे हुए होठों वाली, मतलब आप समझो हमारी भाषा में कटे हुए होठों वाली किशोरी जी आप चाहिए, अगर हम यहां संबोधन करें किशोरी थप्पड़ मारेंगे क्या बोल रहे हो, पर वो रस से जब बोली जाती है तो वो उसका समझते हैं, बोले भ्रमर जैसे पुष्प को विदलित कर देता है, उसी प्रकार विलास काल में जब श्याम सुंदर द्वारा श्रीमती के अधर पुट विदलित हुए हैं, जबकि श्याम सुंदर ने अपने दंतावली से उनके होठों को काट लिया है, बोले वो वाले विदलित जो होठ हैं वो मुझे देखने हैं। तो बोल ये रही है पर क्या आस्वादन है इसके पीछे, कि जो उन्होंने आपके साथ रास विलास किया है उसके बाद आपका जो स्वरूप हुआ, आपके बाद उसके बाद आपका जो रूप हुआ, मुझे उस रूप के दर्शन करने हैं। मंजरी बोले फिर हे चंद्रानने, अरे बोले चंद्र में तो दाग होता है चंद्र के साथ, क्योंकि आप जैसे वहां रूहान नम बोला, जैसे कमल के साथ भगवान की तुलना करी, ऐसे बोलो आपका कमल मुख, आप चंद्रानने क्यों बोलती हो, चांद के भीतर तो दाग होता। बोले हाँ हाँ वही वही वही, वो कलंक युक्त जो चेहरा है ना, मुझे वो देखना है आपका। बोले बड़ी अजीब सी बात करते हो, कलंक युक्त चेहरा देखना है। बोले हाँ आप समझो विलास काल में श्रीमती के नेत्रों में मैंने बड़ा सुंदर कज्जल लगाया था, वो कज्जल से उनके नेत्र इतने सुंदर लग रहे थे, श्याम सुंदर ने उन पर चुंबन करा, और जब चुंबन करा तो श्याम सुंदर के होठों पे वो कज्जल लग गया। अब ये देख के, श्याम सुंदर का ऐसा स्वरूप देख के, भाई पूरे काले हैं, एक केवल होठ ही लाल थे वो भी काले आ गए कैसा दर्शन होगा श्याम सुंदर का, कैसा दर्शन, होठ दिख ही नहीं रहे हैं, जैसे हम यहां देखते हैं ना बांके बिहारी राधा वल्लभ जी के दर्शन ऐसे ही होते हैं लोग बोलते हैं यार इनके होठ लाल क्यों नहीं करते, अरे कज्जल से काले हुए हुए हैं, ऐसे ही तो दर्शन होने, दिखता ही नहीं उनका मुख जो है, काले होठ हुए हैं। तो बोले काले किससे हैं, किशोरी जी के कज्जल। अब यही स्वरूप जो है, किशोरी जी देख के मुस्कुरा दिए, क्या हो गया, ये होठ दिखते थे आगे वो भी काले आ गए, और जब वो मुस्कुराई उनकी मुस्कुराहट देख के, अब श्याम सुंदर और मुग्ध हो गए, क्या मुस्कुरा रही, उनके मुस्कुराहट का पान करने के लिए उनके कपोल पे जाके चुम्बन दे दिया। जब कपोल पे चुम्बन दे दिया तो बोल रहे हैं हे चंद्रानने, वो कलंक वाला आपका चांद सा चेहरा। अब उनका जो कज्जल उनके होठों में लगा, उनके होठ से जब उन्होंने कपोल पे चुम्बन किया तो उनके कपोल पे वो काला रंग आ गया, अब हो गई ना चंद्रानने। तो बोले ऐसे हम आपको, आपके हमारे को दर्शन करने हैं। तो ऐसी लीला विलेश, ऐसी लीला विशेष के कारण जैसे जैसे किशोरी जी का आस्वादन हो रहा है, वो आस्वादन वो करना चाहती है। किशोरी जी का चंद्रमुख देख के श्याम सुंदर आत्महारा है, और किशोरी जी भी उनको देख के मुग्ध हो रही हैं, दोनों एक दूसरे को देख के मुग्ध हैं, वो उनको देखे जा रही हैं, वो उनके काले होठ देख रही हैं, वो उनका चंद्रानन देख रहे हैं, आ किशोरी जी इतनी सुनहरी और एक काला दाग आप में कितना सुंदर लग रहा है। इतने में वहाँ पे सखियों का प्रवेश हो जाता है। अब सखियाँ नहीं है निवृत्त निकुंज में, जब सुबह सखियों का प्रवेश हो गया, अब सखियों के प्रवेश के साथ बोले श्याम सुंदर एकदम मुग्ध बैठे हैं, किशोरी जी के पल्लू को पकड़ के
उनके हाथ पे हस्त पे दूसरा हस्त रख के बोले, उन्हें पकड़ के किशोरी जी के कपोलों को देख रहे हैं और उस पे रीझ रहे हैं। देखते देखते जो वहाँ पे सखियाँ आईं, वो सखियाँ देख रही हैं, दोनों एक दूसरे को देख के एकदम मुग्ध हैं, और किशोरी जी के कपोलों पे जो कज्जल है और श्याम सुंदर के होठों पे जो कज्जल लगा है, ये देख के जो वहाँ पे मंजरी आई हैं वो अपने मुंह पे चुन्नी रख के हंस रही हैं। किशोरी जी कहती है, मेरे को तो पता ही नहीं लगा कैसे रात्रि बीत गई एकदम, वो तो बस हाथ बढ़ाने को था सुबह हो गई। उन्हें ऐसा ही लगता है कि एकदम एक क्षण में तो रात्रि खत्म हो गई। अब वो उन्हें ऐसे बताती हैं, अब वो देख रही हैं सारी लीला, समझ रही हैं कि उनके कैसे होठ काले हुए हैं और इनके इस पे कैसे लगा, ये सब देख रही हैं। और ये देखते देखते जब श्री जी ने उनको देख लिया तो तुरंत अपने भावों का गोपन करने के लिए कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है, एकदम से सखियों को देख रही हैं, श्याम सुंदर को, श्याम सुंदर भी भोर बैठे हैं, वो उनको देख रही हैं, इनको देख रही हैं, मंजरियों को बोल रही हैं इनको जल्दी, ऐसे उनके खंजन नेत्र उस समय तुन तुन इधर उधर हिल रहे हैं, सखियों को देख, मंजरी को देख रहे हैं, इनको देख, कोई तो समझे, ये समझ नहीं रहे हैं क्या हो रहा है, वो मुग्ध बैठे हैं, उनका पल्लू पकड़ के एक हाथ में ऐसे बैठे देख रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं लग रहा है, ऐसे मुग्ध हैं कि सखियाँ आ गई हैं। और जब वो वहाँ पे मुग्ध श्याम को देख रही हैं, मंजरियों को देख रही हैं, सखियों को देख रही हैं कि आ गई हैं, अब ये मेरा खूब परिहास करेंगी ऐसे करते हुए, तो तुरंत वहाँ से एकदम से खड़ी हो जाती हैं। और जैसे ही बोले वो खड़ी होती हैं तो श्याम प्यारे जब वो खड़ी होकर निकलती हैं तो उनके नसाग्र पे जो छूल रहा है उनका मुक्ताफल, जो वो मोती यहाँ पे लगाती है, जैसे ही वो हिला, जो वो हिला उसके मंजरी दर्शन कर रही हैं, और द्रुत गति से जैसे ही खड़ी हुई तो उनका पल्लू जैसे उनके हाथ में आ गया। अब उनके पीछे से जैसे ही पहले पल्लू जब हाथ में आया तो उनके ऐसे वृत्ताकार स्तन वो देख रहे हैं, उसको देख के मुग्ध हैं, वो मुड़ के जाने लगती हैं तो उनके नितंब स्थूल नितंब देख रहे हैं, ऐसा कटी देश देख रहे हैं, और पुकारे, हे राधे कहाँ जा रही हो? अभी उन्हें पता ही नहीं है सखियाँ आ गई हैं, लीला समाप्त है गई है, वो बोले हे राधे, और जैसे ही हे राधे संबोधन किया तो श्रीपाद की लीला में विराम आ गया। अब वो कह रहे हैं मुझे वही दर्शन करने हैं, मुझे वही दर्शन करने हैं जो आपका वो स्वरूप था, अभी तो मैं इसका ऐसे आनंद ले रही थी कि श्याम सुंदर उस स्वरूप का कितना आनंद ले रहे हैं, अभी मैं तो आनंद पूरा ले नहीं पाई, इसलिए ये दश नामों से पुकार कर उन्हें बोले मुझे वो आस्वादन देना है। मम स्वम रूपम अविष्कुरो, अपना वो रूप फिर से दिखाओ, वो फिर से, अभी तो देखा ही नहीं था, एक झलक हुई थी, अभी तो लीला है रही थी, अभी तो श्याम सुंदर देख रहे थे, तो स्वम रूपम अविश करो, मुझे आपके वो रूप के दर्शन करने। इसमें ये फिर दस संबोधन से उन्होंने इसलिए ये प्रार्थना करी। तो अगले श्लोक का तो समय नहीं रहा, फिर अगला श्लोक हो सकता है कल हम लोग फिर चर्चा करेंगे। जय राधे।